धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 राज्यों की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले टोटके करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय राजनीति में नेताओं का ज्योतिषों के चक्कर काटना और उनकी कही बातों पर अमल करना आम बात है, या फिर यूं कहें कि ज्योतिष जैसा कहता है नेता वैसा करता है। नेताओं के पहनावे से लेकर उनके दिनचर्या में बदलाव आ जाता है। नामांकन के लिए शुभ मुहूर्त ढूंढने लगते हैं तो वहीं जीत के लिए टोटका का ही सहारा लेने लगते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे पंजाब में भी अब नेताओं का टोटका करना शुरू हो गया। पंजाब में इस बार की चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प है, क्योंकि जिस कैप्टन के दम पर पिछली बार कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही, इस बार वही कैप्टन बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेसियों को चुनौती दे रहे हैं। अब पार्टी से कैप्टन की विदाई और चन्नी का मुख्यमंत्री बनना, पंजाब का ही सियासी ड्रामा कई दिनों तक चला और इस बीच आम आदमी पार्टी की एंट्री और फिर बीजेपी का बड़े भाई की भूमिका में आना, पंजाब में देखिए काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले और अब नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पद के दो बड़े दावेदारों की टोटके अपनाने की खबरें अब सामने आई हैं। जी हाँ, इन खबरों की पुष्टि धर्मज्ञान नहीं करता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की खबर है कि अब जीत के लिए टोटके किए जा रहे हैं। एक और जहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भैंस का बच्चा दान करने वाली बात सामने आई है, तो वहीं वोटिंग के दिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का गौशाले में गायों को खाना खिलाने वाली बात को टोटके से जोड़ा जा रहा है। यानी गाय की सेवा से, या फिर यूं कहें कि गाय से जुड़ा टोटका अपनाकर कैप्टन से लेकर चन्नी पंजाब को जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष के अनुसार नेता लोग सफेद कुर्ता पहन रहे हैं। पंजाब में ज्योतिषों की भविष्यवाणी पर अमल करने का मुद्दा सुर्खियों में है। जी हाँ, ये चर्चा का विषय बना हुआ है और एक प्रत्याशी ने तो देखिए ज्योतिष की बात पर अमल करते हुए 10 मार्च तक सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। इसके साथ ही मतगणना के वक्त प्रत्याशी को एक सफेद फूल अपनी जेब में रखने की भी सलाह दी गई। अब स्थानीय लोगों की माने तो मुक्तसर के एक दर्जी के पास करीब देखिए 30 से भी ज्यादा प्रत्याशियों ने फरवरी महीने में ही कपड़े सिलने दिए और 9 मार्च से पहले डिलीवरी करने पर जोर दिया। अब स्थानीय लोग ये बताते हैं कि मुक्तसर के एक दर्जी नेताओं के कपड़े सिलने के लिए मजबूर है, क्योंकि दर्जी ने प्रत्याशियों के नाम तो देखिए नहीं बताए, लेकिन 8 मार्च तक सिले हुए कपड़ों की डिलीवरी देने पर प्रत्याशियों की तरफ से खासा जोर दिया जा रहा है। तो वहीं बठिंडा जिले से भी 2 कांग्रेसी प्रत्याशियों ने भी कपड़े सिलवाने के लिए देते हुए मतगणना से पहले डिलीवरी करने के लिए कहा है। अब स्थानीय लोगों की माने तो भाई पंजाब के बठिंडा हो गया, लुधियाना, बरनाला, फिरोजपुर, मानसा, तो तमाम जो जगह हैं यहाँ से नेता कपड़े सिलाने के लिए मुक्तसर पहुँच रहे हैं और करीब 4 दर्जन उम्मीदवारों ने हाल ही में नए कपड़े सिलवाए, जिसके चलते दर्जों को दिन रात सिलाई कर डिलीवरी देनी पड़ रही है। तो वहीं इस तरह से टोटकों का सहारा लिया जा रहा है ताकि चुनाव जीता जा सके। वैसे देखिए पंजाब से जुड़ी ज्योतिष गणना पर अगर हम जाएं तो इसको लेकर तो देखिए देश भर के जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने अपनी अपनी भविष्यवाणी की है, लेकिन आचार्य मयंक शर्मा की पंजाब चुनाव से जुड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, उनका ये पूरा वीडियो देखिए आप। देखिए, अगर इनकी कुंडली पर निगाह डालें जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है और उसके हिसाब से हमने इनकी चंद्र कुंडली तैयार करी है, उसके हिसाब से हम आपको ये बताने जा रहे हैं। इनकी धनु राशि है और शनि की 6.5 का अंतिम दौर इनके ऊपर चल रहा है। दूसरे भाव में बुध और शुक्र हैं, तीसरे भाव में सूर्य और केतु हैं, चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव खाली है, छठे भाव में गुरु और मंगल और शनि की यहाँ युति है, सातवां और आठवां भाव खाली है, नवम भाव में राहु है, दशम एकादश और द्वादश भाव कुंडली में खाली है। तो इस तरह की ग्रह स्थिति जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बनती हुई नजर आ रही है। और अगर इनके दशा की बात करें तो इनको अभी अभी जो है शनि की महादशा का संचार शुरू हुआ है, यानी कि पिछले कुछ महीनों से। और कहते हैं कि शनि की महादशा जब लगती है तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है निश्चित रूप से। तो 6.5 का दौर है, हालांकि 6.5 भी इनके अभी 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ इनकी ग्रह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मयंक जी, देखिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पिछले साल यानी कि अगर हम बात 2021 की करें, तब अपने स्वाभिमान को आगे रखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा पेश किया और कांग्रेस ने भी, आलाकमान ने भी तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और देखिए इस वजह से पंजाब की सियासत उस वक्त बहुत गर्माई थी। फिर चन्नी सरकार का गठन हुआ और जिसमें कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की एक बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से अलग होना और अपनी एक नई पार्टी बना के बीजेपी के साथ
चुनाव लड़ना, इससे कांग्रेस को क्या लगता है, क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा इस चुनाव में या नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, इस समय इनकी जो ग्रह स्थिति बता रही है, कहना चाहिए इनके छठे भाव में शनि है और वहाँ पर गुरु भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जी। कार्य की इनकी प्रशंसा की गई बिल्कुल है। और लोकप्रियता भी इनकी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और इस समय जब शनि की दशा लगती है तो जैसे मैंने पहले कह दिया कि शनि परिवर्तन करा देता है, तो यानी कि ये अपनी नीति के द्वारा शनि के छठे भाव में होने के कारण अपने शत्रुओं के ऊपर इस समय हावी रह सकते हैं, या सीधा सीधा लफ्जों में कहें तो नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना, पार्टी से निकलना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जी जी जी। और जिस तरह की इनकी ग्रह स्थिति है शनि की दशा के कारण, क्योंकि ये इस समय पूरी जी तोड़ मेहनत लगा देंगे, पूरा प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने में तो कामयाब रह सकते हैं, इनकी कुंडली ये बता रही है। चलिए, अब सवाल, दूसरा सवाल ये बनता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपनी पार्टी, एक नई पार्टी का गठन करना और पार्टी के गठन करने के साथ ही साथ बीजेपी के साथ गठबंधन करना और इस गठबंधन के साथ वो अब पंजाब के चुनाव में, यानी कि चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, तो क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, इसका अगर हम सीधा सीधा बात करें कि बीजेपी को फायदा कितना मिलेगा या, और देखिए इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ कैप्टन साहब तो आ गए बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल पहले ही अलग हो चुकी है बीजेपी से, तो क्या बीजेपी इस बार चुनाव में एक बड़े भाई की भूमिका निभाएगी परिणामों के बाद? देखिए, इस समय जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, अगर हम इनकी कुंडली के हिसाब से देखें, तो इनकी कुंडली के हिसाब से ये देखें कि ये इतना बड़ा फायदा इनको चाहे खुद को भले ही ना हो, लेकिन ये दूसरों का नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। तो ये इनकी ग्रह स्थिति फिलहाल नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इनके चुनाव लड़ने से जो और पार्टियां हैं उनको खासकर मतलब अच्छा खासा नुकसान होने वाला है, और बीजेपी का जो है इनको आने वाले समय में भी सहयोग मिल सकता है। तो ग्रह स्थिति कुल मिला के इनकी यही कहती है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी को क्या इससे फायदा होगा, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ लेना? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। डायरेक्ट कोई बड़ा बेनिफिट तो नहीं होगा दोनों को अगर देखा जाए तो। इसके साथ एक सवाल ये भी बनता है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है और अगर जीत जाती है, एक बड़ी बड़े भाई की भूमिका में अगर आ जाती है परिणामों के बाद, चुनावी परिणामों के बाद, तो क्या बीजेपी की तरफ से राज्य का मुख्यमंत्री चेहरा क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत, क्योंकि बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये एक बहुत दूर का सवाल है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है जी, ठीक है ना। और लेकिन अगर इनकी कुंडली के हिसाब से देखें तो हमारा मकसद है इनकी कुंडली देख के बताना क्या उच्च पद की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको लेके थोड़ा संशय है जी। क्योंकि शनि की दशा अब इनको शुरू हुई है, पहले गुरु की दशा थी और जो इनके लिए बड़ा पावरफुल था, लेकिन शनि की दशा में अभी फिलहाल इनको कोई उच्च पद की ऐसी प्राप्ति होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी। हाँ जी, हाँ जी। अब आप देखेंगे ये आने वाले चुनाव में नुकसान तो बहुत पहुंचा सकते हैं विपक्षी पार्टियों को, लेकिन खुद ये किंग बन जाएं ये ऐसा दिखना मुझे थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। चलिए, इसके अलावा इससे हट के अगर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से पंजाब में अभी हाल ही में मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक देखी गई है और जिसके वजह से देश की राजनीति से लेकर, मतलब देश की राजनीति भी गरमाई है, पंजाब में भी खूब बवाल मचा है इसको लेकर, जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी के जिस तरह से बयान सामने आए मोदी जी की सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर भी काफ़ी उनकी आलोचना हुई है, और इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी खूब आलोचना की है कि आखिरकार राज्य में किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक होना एक बड़ी बात है, तो क्या इसका फ़ायदा, क्या इसका एक चुनावी फ़ायदा मिलेगा क्या बीजेपी को? देखिए, अगर बात करें वहाँ की स्थिति की और ग्रह नक्षत्र के अनुसार से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बेनिफिट इस तरह का कोई मिल सकता है या इतना बड़ा। देखिए, थोड़ा बहुत तो इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा फ़ायदा मिल जाए कि जो वहाँ पर कहना चाहिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ये ऐसी चीज़ होती भी कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ठीक है, ये आलोचना ज़रूर हुई है और ये सब इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इससे कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा,
लेकिन एक बहुत बड़ा डैमेज ये नहीं वहाँ पर कर पाएंगे। अगर ये और बीजेपी अगर एक साथ मिल भी जाए तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार से वो स्थिति ऐसी फेवरेबल नहीं दिख रही है कि ये मतलब कि मुख्यमंत्री अभी फिर से बन जाए। चले इसे छोड़िए, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी अन्य राज्यों के मुकाबले क्या लगता है पंजाब में किसकी सरकार बनती हुई आपको दिख रही है? देखिए इस समय अगर मैं गृह स्थिति के अनुसार से बात करूँ ये कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे, आम आदमी पार्टी जो है वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएगी। और जो गृह स्थिति है अभी देखिए हमारे पास सभी लीडर्स की कुंडली नहीं है, अभी ये भी नहीं पता है कि अगर वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी बनती है वहाँ पर या कांग्रेस फिर से बन जाती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा, वहाँ पे कोई डायरेक्ट ऐसा कैंडिडेट नहीं है। देखिए मैं पार्टी की बात कर रही हूँ ना कि किसकी सरकार बहुमत पे लग रही है, मैं उस भी आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है पंजाब की जो गृह स्थिति बता रही है, और क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर है वो पंजाब के लिए जिस समय चुनाव हो रहे हैं वो शुभ नहीं है, तो पंजाब की जनता इस समय मिले जुली मतलब बटी हुई नजर आएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी एक पार्टी को या तो सारे के सारे कांग्रेस को दे दें ऐसा भी नहीं लग रहा है, या सारे के सारे लोग आपके साथ चले जाएं, या अकाली को या कैप्टन को ज़्यादा दे दें। मुझे लग रहा है कि वहाँ इस समय त्रिशंकु मतलब की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एज जो है वो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा जाता हुआ नजर आएगा कि उनको ज़्यादा सीटें मिल सकती है, ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।